आज के मुख्य वक्ता माननीय विद्युदा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय विद्युदा से आग्रह करूंगा कृपया आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सबको उत्साह देने वाले महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय केशरीनाथ जी, इस फाउंडेशन को चलाने वाले मुख्य प्रणेता स्वर्गीय राजेंद्र जी के धर्म पत्नी और दो तीन पार्षद उपस्थित, ऐसे सुनीता जी, विजय जी हो गया जिनके नाम पर ये सर राजेंद्र पुरोहित मेमोरियल फाउंडेशन चल रहे हैं, जिस फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस प्रकार के समाज को अपलिफ्ट करने के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है, इस सभी आयोजन कार्यकर्ता को मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में तब इस क्षेत्र के सारे लोग एक सेवा भाव लेकर समाज को सफल करने के लिए सबसे बड़ा योगदान कार्यकर्ता का होता है। अभी अभी हमारे भी जैन जनवानी के संपादक पार्षद मीना दीदी के साथ में आप देख सकते हैं। मीना दीदी, आज क्या क्या कार्यक्रम रखा गया? आज राज्यपाल जी के नेतृत्व में आज रखा गया मेगा स्वास्थ्य शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप, और छोटे छोटे बच्चों को गवर्नमेंट की स्कूल कॉरपोरेशन की स्कूल के बच्चों को वस्त्र वितरण और पाठ्यक्रम की सामग्री, ये हमने राजेंद्र पुरोहित जी की स्मृति में दी गई है। हर साल हम देते हैं, 25 साल हो गए हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और संघ से जुड़े हुए थे, उनकी छोटी उम्र में देहावसान हो गया, लेकिन उनका सपना पूरा करने के लिए श्रीमती मीना पुरोहित जी, श्री विद्युत मुखर्जी, श्री राहुल सिन्हा जी, श्री हरिकिशन राठी जी, श्री निर्मल शराफ जी, श्रीमती सुनीता झावर जी, श्री विजय मारू जी, श्री संजय मंडल जी, संजय संतोष रस्तोगी जी, 70 वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने देश को खोखला करते चला गया, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उससे देश के लोगों को अनुभव होने लगा कि देश हमारा आगे बढ़ रहा। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल के शासन में लोगों को महसूस होने लगा, और अमेरिका भी कह दिया कि अगर ये सरकार देखिए, आज़ादी का 70 साल हम लोग याद रख रहे हैं। ये आज़ादी हम लोगों को उपहार में नहीं मिला, हमारे लाखों अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हमारी लाखों माँ बहनों ने अपने हाथों से चूड़ियाँ फोड़ी, सिंदूर पहुँचा, तब जा करके ये आते हैं। कोलकाता के सीआईटी पार्क में आइए, हम बात करते हैं यहाँ पर आज़ादी के 70 साल के ऊपर में क्या कहते हैं लोग, आज़ादी का 70 साल मनाया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी के 70 साल में ऋषि अरविंद जी का जो सपना था, आज वो सपना पूरे भारत जो पूरे विश्व में साकार हो रहा है। ऋषि अरविंद जी का जो सपना था कि भारत जो विश्वगुरु बने, आज वो देश के सशक्त प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चर कमलों के द्वारा जो है भारत जो है पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है।